नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुराना टेलीकॉम एंड पावर के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी 5G नेटवर्क से रिलेटेड कंपनी है। आने वाला ज़माना पूरी तरह से 5G का होने वाला है, तो ये कंपनी का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जब 3-4 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैं इस पर वीडियो बनाया था कि आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न देगा। आज स्टॉक लगभग 8 रुपये में पहुँच गया। फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल है। क्यों है मैं वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि देखिए ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में तो वर्क कर रही है, साथ ही साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल पावर के क्षेत्र में भी ये कंपनी वर्क कर रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस कंपनी में और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बिजनेस की बात करते हैं। दोस्तों, जो इस कंपनी का, जैसे कि हमने बताया कि 5G से रिलेटेड वर्क करती है, तो देखो आने वाले समय में 5G होने वाला है। तो 5G होगा तो ये कंपनी फाइबर ऑप्टिकल का काम करती है। जो भी हम टावर देखते हैं, 5G टावर देखते हैं, तो उसको कनेक्टिविटी के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ये 5 लेयर 8 लेयर की जो जेली ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, जो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम कंपनियां करती हैं, उनमें से यह एक है जो जेली फाइबर केबल बनाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है 5G नेटवर्क के क्षेत्र में। उसके अलावा ये कंपनी पावर सेक्टर में भी वर्क करती है। ये जनरली विंड पावर से रिलेटेड वर्क करती है, तो हम इस कंपनी को डाइवर्सिफाई भी कह सकते हैं। ये किसी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, ये टेलीकॉम सेक्टर में भी वर्क करती है, साथ ही साथ ये कंपनी पावर के सेक्टर में भी वर्क करती है। पावर के सेक्टर में से विंड पावर में वर्क करती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए मैन एक्सपेक्ट रहता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। हम उसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। अगर ये कंपनी का आप हिस्ट्री देखेंगे ना, ये कंपनी का आप रिजल्ट्स पे नज़र डालेंगे ना, छोटे छोटे प्रॉफिट ये कंपनी आपको हमेशा कमा के देगी। क्योंकि देखिए, ये कंपनी अल्टीमेट छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी भी प्रॉफिट जनरेट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने कई लार्ज कैप मिड कैप में भी देखा है कि वो प्रॉफिटेबल के लिए हमेशा संघर्ष करती है, लेकिन ये कंपनी अपना बेसिक वर्क करना जानती है। इस कंपनी का मैनेजमेंट अपना बेसिक वर्क करना जानती है। ये कंपनी का एम एकदम क्लियर है, ये कंपनी फोकस वर्क कर रही है। इसके हम क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये कंपनी दिसंबर क्वार्टर में 1.12 करोड़, मार्च क्वार्टर में 0.66 करोड़, उसके बाद जून क्वार्टर में 2.15 करोड़, लेटेस्ट अभी सितंबर क्वार्टर में 0.22 करोड़। तो ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट कमा के दे रही है। हालांकि इस क्वार्टर में इस कंपनी का थोड़ा सा जो प्रॉफिट है कम हुआ है, लेकिन अल्टीमेट कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, 2018 में 1.88 करोड़, 2019 में 5.76 करोड़, 2020 में 6.94 करोड़, और 2021 में ये कंपनी ने 3.41 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये कंपनी को प्रॉफिट कमाना आता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के ऊपर हम डेप्ट बर्डन की बात करें तो लगभग 35-37 करोड़ के आसपास का इसका डेप्ट है, लेकिन ये कंपनी आने वाले समय में पूरी तरह से डेप्ट फ्री भी हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी पावर के सेक्टर में भी है, जैसे मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी विंड पावर। तो इन सारी कंपनियों को थोड़ा फंड ज़्यादा लगता है, मतलब अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये जो अभी डेप्ट है, आने वाले समय में ये कंपनी अपना डेप्ट बर्डन को बहुत जल्दी कम भी कर सकती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए हम उसका प्रमोटर होल्डिंग भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे 75% स्टेक यहाँ प्रमोटर के पास है, यानी प्रमोटर को पूरा स्वस्थ है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और यहाँ पे FII का 0.05% का स्टेक है, और यहाँ पे 24.95% स्टेक यहाँ पे पब्लिक का है। तो यहाँ पे मेजरली कंट्रोल प्रमोटर के पास है, क्योंकि प्रमोटर को अच्छी तरह से पता रहता है कि कंपनी के अंदर कितना गड्ढा है, कंपनी के अंदर कितना पानी है, कंपनी के अंदर कितना अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस कंपनी के अंदर 75% स्टेक यहाँ पे प्रमोटर के पास है। अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल बात करें तो दोस्तों देखिए, ये कंपनी एक माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंपनी डाइवर्सिफाई है। आने वाला समय 5G नेटवर्क पे होने वाला है, आने वाला समय विंड एनर्जी का होने वाला है, आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम फोकस करने वाले हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है, तो और इसका बिजनेस मॉडल भी उसी तरह से है। और साथ ही साथ इन सबसे जो ऊपर मैं इसे एक अंक देना चाहूँगा, इस
कंपनी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि ये कंपनी हमेशा आपको रिजल्ट दे रही है, भले प्रॉफिट छोटा मात्रा में दे, लेकिन ये कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है। इसलिए मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इस कंपनी को एटलीस्ट 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।